Hello guys, I welcome you all on the platform of Tech Buzzer. This is Anamika here. So guys, today we will discuss about our art and craft portion PS TET paper 2 the regarding jo ki 30th of April 2013 nu hoya si 2023 nu sorry. So guys, jo PS TET paper si ga apna art and craft the related to art and craft the questions apa discuss karan ja rahe han. A paper jo set hai wo A hai. ठीक है जी, तो पेपर ए दे रिगार्डिंग जो आप डिस्कस करन जा रहे हैं, तो सब तो पहला जो क्वेश्चन बनता है जी एदा, तो सब तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर्ट. तो एलिमेंट ऑफ आर्ट है ना, तो जो केड़ा नहीं है, तो बिल्कुल भी डी हार्मनी ए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है ना कि एलिमेंट ऑफ आर्ट. ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी, द टर्म आर्ट एंड क्राफ्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच, केड़ी ब्रांच के अंडर आती है भैया, विजुअल आर्ट के अंडर आता है, बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है. द हू गेव द कलर थ्यूरी, थ्यूरी कलर की थ्यूरी किने दी थी भाई, न्यूटन ने. साइंस का जो साइंटिस्ट सिगा सर इजैक न्यूटन, जिन्हें कि न्यूटन के ला दिते है ना, इन्हें किए थे भाई प्रिजम के. ठीक है, नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग सैट ऑफ कॉम्पलीमेंटरी, कॉम्पलीमेंटरी मतलब ओपोजिट है ना, विचों के ओपोजिट वाला है. ठीक है जी, रेड के नाल ग्रीन आएगा ये अपन पता ही सी. ठीक है जी, तो ग्रीन तो रेड वाला दोनों सारे कैंसल हो गए, बस आपको एक ही पता, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बी जो है बिल्कुल सही है. द स्पेस दैट लाइज बिटवीन वर्क ऑफ आर्ट और बीहोल्डर इज कॉल्ड, तो की आएगा भाई, पॉजिटिव स्पेस आएगी. एनालोगस केड़े कलर होंगे, मैं तुम्हें दसिया सी, एक कलर दे आस पड़ोस वाले रंग है ना, पड़ोसी आस पड़ोसी वाले कह सकते हो है ना, ए कलर दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ओन ए कलर व्हील, दिस इज कॉल्ड एनालॉगस कलर. बर्ड्स आई व्यू कैन कॉल की है, किन्ने तरह ना देख सकती है भाई, तीन पॉइंट्स नाल, तीन प्रस्पेक्टिव नाल वो देख सकती है, सी है जो बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, द टर्म यूज टू डेफिनेट द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस डेप्थ एंड थर्ड डिमेंशन, तो यह सारा कुछ की होंगे प्रस्पेक्टिव होंगे, विच ऑफ द थ्री आर सेकेंडरी कलर, ये दसने वाली कोई जरूरत नहीं है, बाकी प्राइमरी कलर कट दो जो रह जाएंगे सेकेंडरी हो गए, रेड ब्लू येलो आ तीनों इन्ह च आ गए, आ तीनों नहीं हो सकता भाई, बाकी ओपोजिट जो भी होएगा वो सेकेंडरी कलर होगा. हैचिंग स्टिपिंग कबलिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कि आएगा भाई, ये कि होंगे शैडो दे विच आपां यूज करते हाँ या ब्रश स्ट्रोक दे विच, वैसे एक क्वेश्चन डाउट दे विच है, वैसे ये होंदी है हैचिंग है ना, मे बी ये शैडो दिखाने दे लई आपां यूज करते हाँ. ठीक है, तो जो इहदा आंसर है थोड़ा डाउटफुल है. नैक्सट देखो बई, आर्ट आर्ट कौन सा नहीं होगा, परसन किदा का होएगा, वो परसन जरा आर्ट के बारे जानता है, या तुम कह सकते हो कला का जानकार, वो व्यक्ति होएगा जो परसन वो बारे स्टडी करेगा, अ परसन हू स्टडीज आर्ट, जो वो बारे पढ़ेगा उही वह जानकार होएगा. नैक्सट देखो जी, वट इज फोम्ड वैन लाइनज मीट फोम एन एनकलोज एरिया, की बना दी है भाई, जो लाइन एक दूजे आपस जाके मिल जाए तो शेप बना दी है. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री डिमेंशन है ना, तो थ्री डिमेंशनल केड़ा है भाई, कौन बहुत ही गलत कर रहा है उनका क्वेश्चन था. फोर्स शूटिंग, फोर शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग मतलब जो कोई दोनों लाइन आपस जाके एक जाके मीट कर दिया ने, तो उन्होंने की कहते कंप्रैसड, मतलब वो घट दी रेखा के विखदिया ने, तो कंप्रैसड होंदिया जा, जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है. नैक्सट क्वेश्चन देख लो भाई, 105 एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल, बिल्कुल सही है भाई. वेन नन ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, जो कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगी तो की कहने आप स्केलन कहने. ठीक है जी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कि होंगे भाई, 360 इक्वल होंगे. ट्रपेजियम की है, बड़ी बारी क्वेश्चन करवाया है बहुत बारी कि ट्रपेजियम की है, जो एक पेयर के दोनों ओपोजिट साइड की है कि पैरलर हो. पॉलीगन दैट है फाइव साइड्स, पांच साइड्स कितनी होंगी, पेंटागन दिया
सेप्टागन है 7 लाइन, डेकागन है 10 लाइन, ऑक्टागन है 8 लाइन, तो 5 लाइन कितनी होंगी भाई पेंटागन दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल टूल, एना चो केड़ा ज्योमेट्रिकल टूल नहीं है, प्रोटेक्टर डिवाइडर स्केल कार्ड्स ए आपा कीता सी सारे, तो वेइंग स्केल, वेइंग स्केल होंगी भार कंडा तोलन, माप तोलन वाला कंडा, तो यह कोई वे टूल नहीं है। नेक्स्ट है जी एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ट्राइंगल पूछा एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होंगी एवं, कहते किन्ने एंगल हो गए 90 डिग्री तो वध, एक ही एंगल होएगा भाई 90 तो वध, बाकी क्योंकि आप टोटल भी तो 180 करना है ना, ठीक है ना, तो सी जो है बिल्कुल सही है भाई, डी नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लो कन्वर्जिंग लाइन केड़ी होंगी है, वेन अपीयर मर्ज विद ईच अदर, जब दो लाइन मर्ज कर जाती है किसी पॉइंट जाके उदो की कहने आप कन्वर्जिंग लाइन है। रोम्बस कैन बी ओवल ट्रेपेजियम काइट या स्क्वायर, तो सारिया काइट रोम्बस शेप दियां होंगी है भाई, सी आएगा। एक्यूट एंगल केड़े होंगे लैस दैन जो 90 होंगे, एन एंगल मोर दैन 180 इज कॉल्ड रिफ्लैक्स एंगल, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। एन आइडियल ह्यूमन फिगर आप किता सी भाई किन्ने हैंड्स या किन्ने सर्कल कह सकते हो, किन्ने हैंड्स के बराबर होंगे 7.5, ठीक है जी। द लोंगेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल की है, डायामीटर सब तो लोंगेस्ट कोड है क्योंकि पूरे डायामीटर पूरा सर्कल दे विच ही आता है, ठीक है जी। एक सर्कल हैज डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे एक सर्कल दे विच, टेंजेंट तो तुम दसिया सी आ देखो एवें है ना, एवें एवें आ सारे टेंजेंट ने, इनफिनिटी हो सकते हैं। दो क्वेश्चन तो पिछले पेपर चो ही आ गए है ना, ए रेशो ऑफ 1:1:2 केड़ी है ना चो जी 1:2 बनाएगी भाई, 2:1 वाली, 2:4 वाली, क्योंकि इन अगर आप कट्टा तो 1:2 बन जाएगी। इन द क्लास ऑफ ए पिछली बार भी आया सी भी 20 गर्ल है 15 बॉयज है, तो केड़ी रेशो बनेगी भाई 4:3 4:3। द विजुअल आर्ट रिलेटेड टू राइटिंग एंड द डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लैटरिंग, मतलब जिद शब्द आप यूज करते हाँ है ना, पेन ना लिखिए चाहे इंक ना लिखिए तो चाहे किसी भी चीज़ ना लिखिए, उन्होंने की कहने कैलीग्राफी, शब्दों की बनावट, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आया हुआ, दो क्वेश्चन आ गए है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो तो डांसिंग मेटल की जी डांसिंग फिगर मिली सी वो कि टेक्नीक नाल बनी हुई सी, तो आएगा लॉस्ट वैक्स, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कह सकते हो, लॉस्ट वैक्स टेक्नीक कह सकते हो, ए जो है बिल्कुल सही आंसर है भाई। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, बैलेंस रिदम रेपिटेशन ये सारे ही प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है। नेक्स्ट डैश इंडिकेट्स एरिया बिटवीन अराउंड अबव बिलो एंड विद इन समथिंग, तो यह केड़ी चीज है स्पेस दे विच, ठीक है ना, पॉजिटिव नैगेटिव 2D 3D सारा स्पेस है भाई। डैश इज बेसिक एलीमेंट ऑफ एलीमेंट रिपीटेड टू क्रिएट अ पैटर्न, रिपीट होता रहता है कोई भी पैटर्न क्रिएट करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड शेप। नेक्स्ट है जो टर्शरी कलर के बारे पूछा है, प्राइमरी ते सेकेंडरी कलर नु मिला के जेड़ा रंग बनता वो केड़ा होएगा भी, टर्शरी होएगा। व्हेन लाइट कम्स ऑन, व्हेन लाइट फ्रॉम सन पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जो लाइट पासिस कर दी है प्रिज्म तो है ना, 7 कलर कर दी है, एनु आपा की कहने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ए बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन डार्क टेस्ट डार्क एंड द लाइटेस्ट लाइट की होएगा वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ की है हड़प्पा सिविलाइजेशन दे सब तो ज्यादा की चीजा मिलिया सी, सील्स मिलिया सी हड़प्पा सभ्यता विच निम्न लिखित चो केड़ी वस्तु व्यापारक कम्मा दे लई वरती जांदी सी, मोहरा वैन क्रिएटिंग अ पोस्टर द मैसेज ऑफ पोस्टर इज कॉल्ड, जो आप लिखते हैं उनके पोस्टर मेकिंग जो वर्डिंग लिखते हैं आप कहने स्लोगन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट,
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ। ਲਈਅਰ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨ ਫੋਰ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੀ ਆਏਗਾ ਬਈ ਇਹਦਾ। ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਟਿਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਬਲਿਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਡਰਾਇੰਗ। ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਬਲੂ ਪਲੱਸ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਪਰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਲੇਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੋਲਾਜ, ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ, 12 ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਏਅਰ, ਸਕਾਈ, ਅਰਥ ਕੇ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਪੋਸਟਰ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਹੈਵ ਦਾ ਹਾਈਟ, ਵਿਡਥ ਐਂਡ ਥਿਕਨੈਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਮ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਵੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਵੈਨਿਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੈਨਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ। ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਫਟ ਹੈ, ਹਾਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਕਲਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਇਨ ਪੋਸਟਰ, ਕਲਰ, ਲੈਟਰਿੰਗ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਈ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਰੇਂਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਮੈਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੇਆਊਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਫੋਰਮੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ। ਕਲੇ ਓਬਜੈਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਫਰੋਮ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂਡ ਮੋਡਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਟਰਨ ਪੋਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਲੇ ਮੋਡਲਿੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4। ਲਾਈਟਨੈਸ ਐਂਡ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੈਲਿਊ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਇਨਕਲੂਡ, ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਦਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗਾਇਜ਼, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।